बेरा के लिए, बेरा के लिए मैंने जो सॉन्ग गाया है वो प्रेम और शक्ति की फिल्म है, इन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया दोनों ने, बहुत ही प्यारे लोग हैं दोनों, और मैं दुआ करता हूँ कि ये गाना आप तक जल्दी पहुँचे और आपका प्यार मुझे जल्दी मिले, और एक मेरा नए गाने का प्रमोशन भी कर देता हूँ। अरे वाह, बिल्कुल। अतिथि भूतो भव एक फिल्म आ रही है जो हार्दिक गज्जा प्रोडक्शन की है, और प्रसाद शास्त्री का म्यूजिक बहुत अच्छा, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र का बैकग्राउंड स्कोर किया हुआ है, तो उनका म्यूजिक है इस फिल्म में, और मैंने एक खूबसूरत सा रोमांटिक ट्रैक गाया गुल मोहर, तो आपको अभी दो दिन बाद वो फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो आप प्लीज़ देखिएगा उस फिल्म का गाना और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। अतिथि भूतो भव उसमें गाना है गुल मोहर। मैं उड़ता पंजाब की दो लाइनें सुना देता हूँ। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है। साध मुरादी सोनी फाबत गुम है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमने सभी ने, यानी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने और हमारे को प्रोड्यूसर भी है, सबने मिलके एक, जैसे लॉकडाउन लगा था उस समय हमें बहुत परेशानी हुई कुछ करने की, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे लॉकडाउन हटा उसके बाद हमने सोचा, मेरे सेकंड एक्टर, तो हमने फिर ये फिल्म स्टोरी लिखी और फिर उस पर हमने फिल्म बनाने का सोचा, तो ये कारवा धीरे धीरे चलता रहा और सबने साथ दिए, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किए, बहुत अच्छा साथ दिए, फाइनेंशियल के साथ साथ अपना उनका भी साथ मिला हमें, तो ये कारवा यहाँ तक आया है। अब आप पूछिए आगे, टाइटल जो है आपका बेरा, ओके, शुरुआत वहाँ से करिए, क्या है बेरा जरा उसके बारे में बताइए दर्शकों को। मैं बताऊँ, यह फिल्म है बेरा, हिंदी मूवी है, साउथ पैटर्न में आजकल तो ज़्यादा चलता है, तो हमारा ये फर्स्ट मूवी है बेरा एक अघोरी, ये हॉरर मूवी है और ख़ास करके काफ़ी स्त्री के बाद में तो कोई हॉरर मूवी आई नहीं है, तो हमने यह सोचा कि काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था हमारे पास, तो इस पे शुरुआत करते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने लॉकडाउन जब लगा था तब हमने स्टार्टिंग किया था ये मूवी का, कुछ इसमें रुक गया था, फिर देन हमने शूट कंप्लीट करके अभी रिलीज पे है ये फिल्म, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये फिल्म जो है, जो हॉरर फिल्म है, आप सभी को पता है कि हॉरर फिल्मों में सॉन्ग्स बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, रोमांटिक होते हैं, डांसिंग होते हैं, तो उसी पैटर्न में हमने 3 सॉन्ग है ये फिल्म में, और एक सॉन्ग है जो नकाश अजीज ने गाया है, और दूसरा सॉन्ग है जो हम दोनों ही सिंगर हैं उसमें, और तीसरा सॉन्ग जो शाहिद मालिया जो है उन्होंने गाया है, काफ़ी बेहतरीन सॉन्ग है ये फिल्म में, और फिल्म का कॉन्सेप्ट वैशाली माड़े ने भी गाया है। कॉन्सेप्ट ऐसा है ये फिल्म का कि एक काफ़ी साल पुराना, 200 साल पुराना कि एक अघोरी, 500 साल पुराना, सॉरी 500 साल पुराना एक अघोरी था, एक अघोरी काले जादू में माहिरत हासिल था उसमें, और तो किसी का भी रूप ले सकता था, तो इस पैटर्न में है, ऐसी मिस्ट्री है, और काफ़ी मज़ेदार फिल्म है, डांस है इसमें, इमोशंस है, हॉरर है, फाइट सीन्स है, सब रोमांटिक सीन्स, सब अभी हॉरर मूवी कहने के बाद तो सभी चीज़ें आती है इसमें। ये कारवा इस तरीके से बड़ा हमारा कि विदर्भ, हम आते हैं विदर्भ से, तो हमें कुछ अच्छी तरीके से एक फिल्म बनाना था, क्योंकि हिंदी में बनाना मिस एक टफ कंटेंट होता है हमारा तरफ, यहाँ पे तो नॉर्मली बना ही लेते हैं, पर हमने शुरुआत की इसकी, हम प्रोड्यूसर को साथ में लिए और कंसेप्ट अच्छा था करके हमने अच्छे तरीके से इसको प्लेटफॉर्म पे लाए, अभी
देखा जाएगा कि कितना पसंद करते हैं लोग इसको। पर सर ये हॉरर कॉमेडी होगी? नहीं कॉमेडी नहीं है सर, नहीं 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 हॉरर कॉमेडी करके नहीं, प्योर हॉरर है मूवी। जस्ट अ मेटाफिजिकल एस्पेक्ट जिसमें हॉरर है, रोमांस है, ये सब बातें हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है ताकि हम ऐसा कहेंगे कि एक अलग सा एक्सपेरिमेंट है। नहीं आजकल चलता है, आपका जवाब काफ़ी अच्छा था क्योंकि हॉरर कहने के बाद तो कॉमेडी तो आती है, जबरदस्ती घुसाते हैं उसमें, पर हमने थोड़ा सा अलग रखे है उसको। देखो हॉरर कॉमेडी यानी वैसी कॉमेडी नहीं है लेकिन कॉमेडी है सेपरेटली, यानी हॉरर की कॉमेडी यानी हाँ हल्का फुल्का बोल सकते हैं, नहीं नहीं कॉमेडी भी है, इंटरमिंगलिंग है। हाँ लेकिन हाँ इंटरमिंगलिंग है, कॉन्सेप्ट प्योर हॉरर है और खतरनाक हॉरर है। जहाँ तक तो हमारा कहना है कि अकेले में कोई नहीं देख पाएगा, इतना हॉरर तो है। और ये फिल्म में परिचय करवा दूँ मैं प्रेम धीराल, ये शक्तिवीर धीराल जो लीड कर रहे हैं, दो लीड है हम, दो लीड कर रहे हैं। और एक्चुअली एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे फिल्म की जो दो हीरोइनें हैं वो दूसरे शूट में बिजी है तो उनको समय नहीं मिल पाया, और काफ़ी एक आइटम सॉन्ग भी हमने इस पर फिल्माया है जिसमें हिना पांचाल जी हैं और उनके साथ जो हमने आइटम डांस शूट किया है काफ़ी अच्छा हुआ है। अब लोगों को देखते हैं कितना पसंद आता है, और जहाँ तक तो हमको यकीन है कि लोगों को पसंद आएगा ज़रूर। और तीनों सॉन्ग का आउटलुक अभी रिलीज़ होगा, आज ही होगा, आज ही थ्री सॉन्ग रिलीज़ हो जाएंगे आज। मेरी तरफ से कुछ एलिमेंट्स पर फोकस करना चाहता हूँ कि कुछ मतलब फिल्म जो है बेराय का घोरी, ये पूरी फिल्म ही शक्तिवीर धीराल और प्रेम धीराल है। इनफैक्ट जो मेहनत इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो बेसिकली जो मेहनत की गई है इनके द्वारा की गई है, मैं उस फिल्म का को प्रोड्यूसर हूँ, मैं उस फिल्म में कॉमिक रोल किया हूँ, और फिर इसको ये फिल्म को जो भी शक्ति लगाया, जो पोटेंशियल लगाया हमारे राजू भैया, राजू भारती इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, उनका बड़ा योगदान है और उनकी वजह से ही ये कारवा आगे बढ़ रहा है। और मुझे पर्सनली ऐसी उम्मीद है कि जो फिल्म जब थिएटर करेगी तो लोग इसे काफ़ी पसंद करेंगे, क्योंकि हॉरर के लिए तो यही चाहिए ना, एक अच्छा कंसेप्ट चाहिए, एक अच्छा पिक्चराइजेशन चाहिए, एक अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए, एक अच्छे एक्टर चाहिए। हमारा ये पहला है, पर फिर भी हमने जितना हो सके उतना कोशिश की है कि इसमें अच्छा एक परफॉर्म कर पाए, हम बेस अच्छा बना पाए कि आगे के जितने भी हमारे कंटेंट आएंगे या हमारे मूवीज़ आएगी तो यही हमारा आधार बनेगा कि हमारी नेक्स्ट मूवी देख पाए या नहीं पब्लिक। इसकी शूटिंग वगैरह कहाँ पे आप लोग कर रहे हैं? सर हमने शूटिंग पूरी कंप्लीट हो गई, शूट पूरा हो चुका है सर, फॉरेस्ट में हुआ है, अपना ताड़ोबा फॉरेस्ट में हुआ है, ताड़ोबा फॉरेस्ट में हुआ है, नागपुर में शूट हुआ है, मुंबई में हुआ, और जहाँ ऐसे कुछ लोकेशन थे हमारे विदर्भ में जो हमको हॉरर के लिए चाहिए थे, जैसे कुछ ऐसे गेस्ट हाउस जिसमें हम बहुत ज़्यादा हॉरर दिखा सके। अभी तो यादगार के लिए मैं आपको बता दूं कि नागराज मंजूड़िया जो है अपना नागपुर में आके शूट किए उन्होंने, काफ़ी सारा मूवी है अभी हाँ, तो हमने जोन में उस जोन में हमने लोकेशन है वहाँ पे शूट किए हैं, तो हम तंत्र मंत्र जो है जी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है उसको लेकर विरोध करती है ऐसे जादू टोना फिल्मों को, तो उनको क्या मैसेज देगी ये मूवी की आम दर्शकों को एक उसका छाप पड़ेगी? सर क्या है ना, ये काल्पनिक स्टोरी है, हमने जब ये स्टोरी को लिखे थे तो माइंड में एक ही था कि हम समाज को या ऑडियंस को जो फिल्म देखने आएगी तो उनको ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो भी बताया गया है तो एक काल्पनिक स्टोरी है, तो नहीं है लेकिन एक इमेजिनेशन के तौर पर हाँ, लेकिन सकता है स्क्रिप्ट राइटर, लेकिन हॉरर का ऐसा दिखाया गया है कि 500 साल पहले का राजा महाराजाओं के काल में वो अघोरी होता है और फिर 500 साल बाद किसी वजह से वो किसी चीज़ में कैद हो जाता है, चलो इतना बता दूं कि वो एक हीरे में कैद हो जाता है, एक शापित बन जाता है वो, और उसके बाद वो 500 साल बाद का कारवा है जो हम कॉलेज के लोग उनको नहीं, इतना तो कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म, कंसेप्ट अलग है थोड़ा सा, 500 साल पहले का और 500 साल बाद का ऐसा कारवा दिखाया गया है, मर्ज किया है, देख के बोलूं तो ये मॉडर्न भूत होगी, ये तेलुगु में होगी, कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं 100% होगी, 100% होगी सर। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं पोस्टर में, जो फर्स्ट लुक आप देख रहे हैं, वो अघोरी ऐसा होता है कि मैंने पहले ही कहा था, आप समझ जाइए कि वो अघोरी जो होता है काले जादू में माहिरत हासिल होती है उसे और वो किसी का भी रूप ले सकता है, तो इस पर से वो ऑडियंस अंदाज़ा लगाएगी कि फिल्म में क्या है, लेकिन फिल्म में बहुत कुछ अच्छा है।
और मेन अघोरी का पोस्टर अभी हमने रिलीज नहीं किए है, उसको हमने थोड़ा सा आगे करेंगे, वो हाइड रखे हैं क्योंकि मेन अघोरी को जो देखेगा वो डर जाएगा। जी सर, पोस्टर को लेके एक सवाल ये भी है कि जो अघोरी होता है ज्यादा करके नारी के ऊपर अपना प्रयोग करते हैं, और नारी के ऊपर ये पोस्टर मैंने नारी नहीं देखी, जो कि आपने बताया दो हीरोइन है, इसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे तीन चार डिजाइन बनाए हैं हमने, उसमें आएंगे वो करने वाले। बेसिक देखिए आजकल का चला, जैसे आपको अभी बता दूं कि अभी अभी कार्तिक ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसके पोस्टर में देखिए एक सिंगल एक्टर ही है, तो डिपेंड क्या करता है कि हम एडवांस क्या बना सकते हैं, क्योंकि अभी अब आप भी जानते हैं कि हम अगर पोस्टर में ये वो दिखा देंगे तो लोग ये भी बोलते हैं कि ये क्या कैसा पोस्टर बना है। हमारी कोशिश है कि हम बेहतर क्या बना सकते हैं, जो अभी यानी जैसे मार्केट में जो चल रहा है तो उसको देखते हुए उस लेवल का पोस्टर कैसा बना सकते हैं, तो हमने कोशिश की है, पता नहीं ऑडियंस को अच्छा लग देगा, पसंद आए, देखते हैं उनकी क्या पसंद होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भी स्टैंडर्ड बना लिए तो वो खटकता है आँखों को कि यार ये अघोरी अघोरी है तो ये एकदम से इतना कैसा पॉश, थोड़ा सा लो कैटेगरी बना लिए तो करके वो बीच का बनाना पड़ा कि वो एटलीस्ट लोगों को समझ में आए। उसका जो मेन लुक है वो हमने जानबूझ के थोड़ा सा छुपा के रखे है कि वो अगर तो देख लेंगे तो नेक्स्ट पोस्टर में आएगा, या फिर हम सोचेंगे नेक्स्ट पोस्टर में उसको देना चाहिए, बहुत ज्यादा हॉरर है वो। स्क्रिप्ट जो है वो लोग देखेंगे तो डर जाएंगे ऐसे ही, उसका रूप इतना खतरनाक दिखा है। स्क्रिप्ट जो है इनफैक्ट स्क्रिप्ट राइटर का इमेजिनेशन है, और सभी बातें तो इस वक्त हम रिवील करेंगे नहीं, लेकिन जब वो मूवी फ्लोर पे आएगी तो एवरीबॉडी विल बी एस्टोनिश्ड टू सी इट ऑल। ये मैं बिल्कुल, दिस इज माय प्रॉमिस रिंग नोट टू ऑल, कि अभी तो सब बातें रिवील करने वाले हम लोग आए नहीं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग का वर्क जो किया है शक्तिवीर झिरा ने किया है, और उसमें इतनी सारी बातें मतलब ऑडियंस के लिए है, ताकि जब वो लोग फिल्म देखेंगे तो इट इज़ ऑल जस्ट वेरी एस्टोनिशिंग। बस मैं इतना बोलूँगा, एक आम इंसान को तो वही तो चाहिए ना, हमने मिस्ट्री है, तो ये सारे चीज़ों का कंटेंट हमने एक फिल्म में दिए है कि ऑडियंस को बोर ना, यानी एंटरटेनमेंट हो, यानी थोड़े थोड़े देर में ट्विस्ट होना चाहिए, यंग जनरेशन को तो चाहिए। वो देने की पूरी कोशिश की है। जी आपने कहा कि ये फिल्म अकेला कोई नहीं देख सकता है, ये रामगोपाल वर्मा ने भी कहा कॉमेडी बन गई तो वाकई नहीं सर, हमारी कॉमेडी तो नहीं बनेगी, लेकिन सही में बता रहे हैं, जहाँ तक तो देखिए, अब हर कोई अपने अपने फिल्म को हर कोई अच्छा बोलता है, हमने ये जो कोशिश की है, कहावत है ना, अपना बच्चा सबको अच्छा ही लगता है, तो हमारा जी 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 बस, तो देखिए थिएटर में आके एक बार देख लीजिए तो ऑडियंस को पता ही चलेगा कि हमने कितना हॉरर बनाने की कोशिश की है, और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। सर ये एक एरा की भी बात है, अभी जो टेक्निकलिटीज है ना, तो ये भी एक इशू है कि म्यूजिकल अटेनमेंट उसको कितना वो फिल्म को हॉरर बनाने की कोशिश करेगा, ये आपको जानती है। उस जमाने में जब आप बोले कि राम से ब्रदर्स वगैरह की पिक्चर थी, मूवीज थी, तो उस वक्त का म्यूजिक, उस एरा के म्यूजिक और प्रेजेंट एरा का म्यूजिक, इसमें तो काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब उसको म्यूजिक जब हम देंगे, और जो हुआ है जैसे भी हुआ है, तो ये डेफिनेटली एक टेरर ऑडियंस के लिए पैदा करेगी, हमें इतना विश्वास है। मैं आपको बता दूं, आपने बताया कि काफी हॉरर है, तो क्या कमजोर दिल वाले देख पाएंगे? नहीं, देख पाएंगे सर जी, आजकल ये दुनिया में रहना वो तो बहुत बड़ा दिल लेके रहना पड़ रहा है ना, तो वो हर हॉरर फिल्म में देख पाएंगे। पर मैं ये बता, मैं तुमको एक बात बता दूं, जहाँ तक हमने जितना गारंटी के साथ में कहता हूँ कि आपको अभी कलिया परसों में सॉन्ग्स देखने मिलेगा, आपको सुनने मिलेगा, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि फिल्म किस पैटर्न में जाएगी, कैसा जाएगा। ओवरऑल तो समझ में आ जाता है कि सॉन्ग देखने के बाद में कि नहीं यार कितना क्या है, मसाला है या नहीं है, आपको सॉन्ग देखने के बाद में वाकई में लगभग 2 महीने के अंदर आ जाएगी। क्या प्लानिंग की है, कितने स्क्रीन पे आप लेके जाएंगे? फिलहाल तो महाराष्ट्र में फिलहाल। सर आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ऐसा पर्टिकुलर महाराष्ट्र करके नहीं, अभी हमारा प्लान है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब जो अभी हम इसके आगे क्या प्लानिंग करते हैं, कोशिश तो हमारी है कि अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब बताएंगे, पूरे भारत में रिलीज करने का प्लान है। आपने पैसा लगाया है सर, क्या ऐसा लगा आपको कि इस पर पैसा लगाना चाहिए? एक्चुअली शुरुआत से अगर बताना चाहूँ
तो शक्ति और प्रेम और डेजा सर, ये एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल है। डेजा सर तो मेरे गुरु के लेवल पे, एक्चुअली इनका जो एफर्ट था, इन्होंने इसके पहले भी कुछ अच्छा किया है, वो सब देख के मैं इस पर प्रभावित था। लेकिन जब एक बड़े लेवल पे हम बड़े आदमी की तरफ जब गए, तो एक्चुअली उसने कुछ चीज़ें बताई हमको, क्या अपन विदर्भ के लोग क्यों मराठी फिल्म के तरफ ही क्यों सोच सकते, अपन ऑल ओवर इंडिया के बारे में क्यों नहीं सोचते जो कि हिंदी लाइक करते। इधर इधर लुक, अपन क्यों लाइक नहीं कर सकते कि अपन ऑल ओवर इंडिया में कर पाते। तो इनकी सब बातें सुनने के बाद वो टाइम में तो मैं शुरुआत से चीज ऐसी है कि मेरे ये तीनों अपने दोस्त है, दोस्त के थ्रू पे इन्होंने हर छोटे छोटे लेवल पे काम कर चुके थे, बट इनका जो एफर्ट और काम करने का तरीका था उससे मैं इतना प्रभावित था। एक्चुअली कुछ बता नहीं सकते अपन जो पर्दे पे दिखती। मैं इनके ऐसे इतने इवेंट था कि मैं कर देखे बिना रह नहीं पाता था, उससे मैं इतना प्रभावित था। मेरे दोस्त थे, बट एक्चुअली जब एक लेवल पे इन्होंने एक मराठी पिक्चर बनाया, वो टाइम में हम गडकरी साहब की तरफ गए थे, उन्होंने बोले कि अपन महाराष्ट्र के लोग बोले सिर्फ मराठी बनाते, महाराष्ट्र तक ही सीमित रखने का क्यों सोचते आप, बड़े लेवल पर ऑल ओवर इंडिया में अपन काम नहीं कर सकते क्या, उतनी कला अपने में है, कुछ ऐसा सोचो। और वो उसके बाद मैंने इनसे डिस्कस किया और बाकी सब चीज़ों के बाद उन्होंने बोले भैया हमारे तरफ बाकी सब चीज़ें है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें अपने टेक्निकली अपन वहाँ पर रुक सकते। तो मैंने इनको बोला तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो तब हमारी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बनी। उसके हिसाब से कभी भी मुझे इनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। ये दोनों भाई डेजा सर और हमारे संजू दादा यहाँ पे अवेलेबल है, इतने सक्सेसफुल पर्सन है, ये कुछ भी कर सकते। बट कैसा, नाम कमाने के लिए कुछ अलग चीज़ें लगती, जो चीज़ें हमारे तरफ इधर में नहीं थी। लेकिन ये जो बेरा एक अघोरी पिक्चर बनी, ये अगर एक बार मार्केट में आती है और सॉन्ग आते हैं तो आप उसमें क्या है हमको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद अपने आप पता चल जाएंगे। और कैसा है ना सर, हर चीज़ ये बेरा एक अघोरी पिक्चर में और सॉन्ग में आपको मिलेंगी, बताने से ज़्यादा देखने में ज़्यादा मजा आएगा। आपकी फिल्म बनके रेडी हो चुकी है, बनके पिक्चर रेडी है, किस तरह से किया जा रहा है, क्या तैयारियां की जा रही है? पिक्चर पूरा रेडी है, पिक्चर पूरा रेडी है। हमने सोचे थे कि एक्चुअली ये प्रोग्राम गणपति के पहले करें, बट एक्चुअली कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं कर पाए। अभी भी आज का विषय ऐसा था कि हम ये कुछ टेक्निकल विषय जो हम एक दो जन को बुलाना चाहते थे वो किस रीजन से नहीं आ पाए, उसके वजह से हम चार भाई यहाँ पे बैठे हैं। बट ये चीज़ों में जो चीज़ें हैं हमको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम ये बोल रहे हैं, जैसे शक्ति भाई ने और प्रेम भाई ने बोले कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में, मैं तो सोच रहा कि ऑल ओवर इंडिया में ही लगेगी, क्योंकि मैंने जिससे प्रभावित होकर बात सोचा। और हम विदर्भ के लोग एक साइको ऐसा समझ सकते, हमने एक बार दिन में ठान लिया तो करने का पूरा एफर्ट देने का और लोगों का यानी कि कुछ ना कुछ अलग करने के बारे में हम हर बार सोचते। वो ये चीज़ में से माननीय गडकरी साहब ने जो हमको बोले और मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम उनके साथ बैठा, उनकी बातें जो दिल में उतरी, तो मैंने ठान लिया था उसी दिन क्या कुछ ना कुछ अलग करेगा करने का। और भाइयों का सपोर्ट मिला और मेरा उनको सपोर्ट मिला, उसके वजह से हम यहाँ तक पहुँच चुके। मैं एक बात बोलना चाहूँगा आखिरी कि ये पिक्चर सॉन्ग आज के जनरेशन को आज का जनरेशन उसे लाइक ही करेगा, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। बस रिलीज कब तक करने वाले आपसे, या फिर आगे पीछे हो सकता है सर? पुराने दौर में अघौरी बाबाओं द्वारा जो तंत्र मंत्र विद्या दिए जाते थे उस पे लोग 110% डिसबिलीव करते थे। मॉडर्न टाइम में अघौरी बाबाओं की बातों में कितना विश्वास रखते हैं आप? एक्चुअली ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो सब सही है अपनी जगह पे, बट एक्चुअली आखिर में हर चीज़ों में एक ही बात चलता है, सत्य की जो जीत होती। आखिर में अपने बेरादा अघोरी में भी सत्य की ही जीत होगी, ये आपको बताया जाएगा। अभी फेस्टिवल का सीजन। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस म्यूजिक लॉन्च। मैं आई एम अपूर्वा नैन, आई एम प्रोफेशनली एन एक्टर एंड एजुकेशन वाइज आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। सो येस, आई एम डूइंग अमेजोन वेब सीरीज, आई हैव डन लॉट ऑफ मूवीज विद ओम पुरी साहब एंड सीमा कपूर, एंड यू कैन सी मी इन मोर मूवीज इन कमिंग मंथ्स। So I would like to thank the team. First of all, thanks to the producer which make it possible, Mr. Raju and Mr. Daz. Yeah, sorry.
and of course to the both the actors who have played a main lead role in this thing. And it's like whole team depends on the how things goes, and I would like to thank the director, of course, and the music director, and everything, just fingers crossed. It's a mythological film, so yes, definitely we would keep our fingers crossed, and my blessings and my wishes with them. So thank you all. Thank you. यहाँ पे म्यूजिक लॉन्च है वेरा एक अघोरी जी, बहुत अच्छा आपने इसमें गाया है, कैसा लगा? मैं सबसे पहले अपनी और शक्ति को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मुझे इस गाने के लिए चुना, और फिल्म के गाने के लिए तो हम आए हैं इस शहर में कि फिल्मों में गाएं, और ये कौन सी भाषा है? हिंदी। लेकिन ये अघोरी की एक स्टोरी है जिसमें मतलब एक इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है, तो मुझे जब इन्होंने बताया था गाने के बारे में तो सब्जेक्ट थोड़ा मुझे सुनाया था, और गाना काफ़ी अच्छा है, आप सुनेंगे फिल्म के अंदर। दो लाइन गुनगुना दें सर, अगर बोलो ना। सर भी मैं रिवील नहीं कर सकता गाना, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बोला है कि फिल्म रिलीज के बाद ही मैं आज गाने रिलीज हो रहे हैं। एक नजर जो भी है। बिल्कुल सर, अभी आएगा थोड़ी दिनों में गाना, आप सुनिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।